आज हम रिव्यू करेंगे फिल्म विश्वरूपम 2। फिल्म के लीड रोल्स में है कमल हसन, राहुल बोस, एंड्रिया, पूजा कुमार, जयदीप अहलावत, शेखर कपूर और वहीदा रहमान। विश्वरूपम 1 के कुछ सीन्स में VFX का यूज करते हुए इस फिल्म का इंट्रो दिखाया गया है, जो कि देखने में अच्छा लगता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने विश्वरूपम 1 नहीं देखी है तो इस फिल्म को देखने में आपको थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। फिल्म का फर्स्ट हाफ कुछ एक्शन सीन्स, कुछ बोरिंग सीन्स और कुछ विश्वरूपम 1 के पहले पार्ट को दिखाते हुए खत्म होता है। फिल्म कई जगह अचानक से फ्लैशबैक में चली जाती है और फिर वापस प्रेजेंट में आ जाती है, इसलिए ये जरूरी है कि आपने विश्वरूपम 1 भी देखा हुआ हो। फिल्म में एंड्रिया नजर आती है कमल हसन के कॉलीग के रूप में और उनके सीन्स को बेवजह खींचा गया है, बढ़ाया गया है और कई मौकों पर तो वो अच्छा खासा आपको बोर भी करती है, जिसकी वजह से ये फिल्म कभी कभी स्लो लगने लगती है। फिल्म में कमल हसन एक रॉ एजेंट की भूमिका में नजर आते हैं, लेकिन अपने हर मिशन में वो अपनी वाइफ को साथ लेके घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से एक स्पाई थ्रिलर फिल्म का जायका खराब होता है, क्योंकि अगर हर सीन में उनकी वाइफ उनके साथ होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि फिल्म में रोमांस भी होगा और एक स्पाई थ्रिलर फिल्म में ज्यादा रोमांस की कतई भी जरूरत नहीं होती है। जिन लोगों ने इस फिल्म का पहला पार्ट देखा है उन्हें इस फिल्म से भी काफी सारी एक्सपेक्टेशंस होंगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि पहले पार्ट के मुकाबले ये फिल्म आपको आधा भी एंटरटेन नहीं करेगी। कभी कभी लगता है कि इस फिल्म के फर्स्ट पार्ट की पॉपुलैरिटी को भुनाने के लिए ही इस फिल्म को बनाया गया है। पिछली फिल्म में राहुल बोस एक बहुत ही सशक्त कैरेक्टर में नजर आए थे। उस फिल्म में राहुल बोस ने कमल हसन को एक्टिंग के मामले में लगभग बराबर की टक्कर दी थी, लेकिन इस फिल्म में वो एक गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर नजर आते हैं। एक फिल्म का हीरो तभी पावरफुल लगता है जब उस फिल्म का विलेन भी दमदार हो। इस फिल्म में राहुल बोस की एक्टिंग तो अच्छी है, लेकिन उनका रोल काफी छोटा है, जो कि फिल्म का एक माइनस पॉइंट है। फिल्म में एक दो सीन्स तो जबरदस्ती के ठूसे हुए हैं, जिनका कोई लॉजिक नहीं है। जब फिल्म में वहीदा रहमान की एंट्री होती है तो फिल्म एक स्पाई थ्रिलर फिल्म से तब्दील हो जाती है एक फैमिली ड्रामा फिल्म में। ये बात ठीक है कि एक फिल्म का थीम चाहे जो भी हो, लेकिन उसमें हर तरह का फ्लेवर होना जरूरी है। लेकिन इस फिल्म में रोमांस और फैमिली ड्रामा को थोड़ी सी ज्यादा जगह दे दी गई है, जिसकी वजह से एक स्पाई थ्रिलर फिल्म थोड़ी सी फीकी लगने लगती है। और वैसे भी क्योंकि ये एक अच्छी स्पाई थ्रिलर फिल्म का दूसरा पार्ट है, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि जितना एंटरटेनमेंट हमें पहले पार्ट में देखने को मिला था, उससे कहीं ज्यादा एंटरटेनमेंट हमें दूसरे पार्ट में देखने को मिलेगा। एक्टिंग की बात करें तो कमल हसन एक बेहतरीन एक्टर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और इस फिल्म में भी उनकी एक्टिंग अच्छी है। लेकिन अगर उनके इस किरदार को हम उनके पिछले किरदार से, यानी विश्वरूपम फर्स्ट के किरदार से कंपेयर करें, तो ये वाला किरदार कहीं ना कहीं आपको फीका लगेगा। और इसका एक रीजन ये है कि विश्वरूपम 1 में उनके किरदार में काफी सारी वैरायटीज थी। एक डांस टीचर के तौर पर बड़ी अदाओं के साथ वो अपने डायलॉग्स बोला करते थे, फिर एक नॉर्मल स्पाई और उसके बाद एक मुस्लिम टेररिस्ट के रूप में उनके पास कई तरह के किरदार थे, कई तरह के शेड्स थे अपनी एक्टिंग को दिखाने के लिए। लेकिन इस फिल्म में वो एक ही गेटअप में एक ही तरह के रोल में नजर आते हैं। एंड्रिया के बारे में जैसा कि आपको पहले ही बता चुका हूं कि फिल्म के कई सीन्स में वो काफी बोर करती हैं। एकाध जगह उनके स्टंट्स देखे जा सकते हैं। पूजा कुमार अपने किरदार में अच्छी लगी हैं। राहुल बोस के पास ज्यादा कुछ करने के लिए था नहीं, लेकिन जितना भी उनका किरदार है वो उन्होंने बखूबी निभाया है। फिल्म में उनका मेकअप भी देखने लायक है। फिल्म में जयदीप अहलावत का रोल राहुल बोस के रोल से भी लंबा है, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया है। फिल्म का म्यूजिक औसत है, कोई खास प्रभाव नहीं डाल पाता है। फिल्म के कुछ सीन्स में अच्छे लोकेशंस देखे जा सकते हैं और बाकी की फिल्म दिल्ली में शूट हुई है। एक्शन सीन्स में कुछ जगह अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक सुना जा सकता है। तो कुल मिला के इस फिल्म के फर्स्ट पार्ट के कंपैरिजन में ये फिल्म कुछ खास प्रभाव नहीं डाल पाती है, लेकिन क्योंकि ये कमल हसन की लास्ट की कुछ फिल्मों में से एक है जिसके बाद वो संन्यास ले लेंगे, तो उनके डाई हार्ट फैंस को ये फिल्म देखनी चाहिए। मैं इस फिल्म को दूंगा 2.5 स्टार्स। हैव ए नाइस डे।